किसी जंगल में एक खूंखार भूत का कहर था। वह मासूम पक्षियों को मारकर कच्चा खा जाता था। और अपने पीछे कई लाशें छोड़ जाता था। सुबह जब सभी पक्षी लाशों को देखते थे तो हैरान और दुखी होते थे, और उस भूत से डर के कारण सभी पक्षी एक साथ एक पेड़ पर घोंसले बनाकर रहते थे। एक दिन मिट्टू तोते का दोस्त चिंटू उसके पास आता है। सुनो दोस्त, एक बुरी खबर है, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है, वे आखिरी बार तुमसे मिलना चाहती है। अरे नहीं, ये कैसे हुआ? ठीक है, मैं शाम को जाता हूँ, तुम जाओ। ठीक है, मैं जाता हूँ, लेकिन जल्दी आ जाना, वे बुला रही थी। सुनो, तुम जा रहे हो तो ध्यान से जाना, रात में सफर मत करना। तुम्हें तो पता ही है ना कि इस जंगल में एक इंसानी भूत आ गया है जो पक्षियों को मारकर खा जाता है, और वह किसी पे दया भी नहीं करता। हाँ पता है तीखी, तुम घबराओ मत, मैं रात में सफर नहीं करूँगा, तुम चिंता मत करो। वो तो ठीक है, लेकिन गुल्लू को तुम्हारे बगैर डर लगेगा। तो तुम उसे अपने साथ सुलाना, तो नहीं डरेगा। शाम होते ही वह तोता अपनी माँ से मिलने चला जाता है, और तीखी और गुल्लू घर में अकेले रह जाते हैं। लेकिन मिट्टू तोता अपनी माँ से मिलने नहीं बल्कि झूठ बोल के पार्टी में गया था। उस तरफ तीखी और गुल्लू अपने घोंसले में बेफिक्र होके सो रहे होते हैं, तभी वहाँ वह इंसानी भूत आ जाता है और तीखी तोती को पकड़कर घोंसले से बाहर निकाल लेता है। सभी पक्षी तीखी को उस भूत के हाथों से छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भूत पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वह तीखी की गर्दन तोड़कर उसे कच्चा खा जाता है, फिर वहां से चला जाता है। सभी पक्षी सिर्फ उसे देखते ही रह जाते हैं। यह खबर मिट्टू तक पहुंच जाती है और वह तुरंत वापस आ जाता है। वह अपनी पत्नी के टुकड़े को देखता है और फूट फूट कर रोने लगता है। मुझे माफ कर दो तीखी, मैंने तुम्हें झूठ बोला था, काश मैं गया ही नहीं होता। रोज कोई ना कोई मर रहा है, उस भूत ने मेरे बीवी बच्चों को भी मार दिया। हमारे इस जंगल में रहना खतरे से खाली नहीं, हमें ये जंगल छोड़ कर जाना चाहिए। कहाँ जाएंगे हम? हम जहाँ भी जाएंगे वह भूत तब भी और पक्षियों को मारकर खाया करेगा। भागने से अच्छा है कि हम कोई उपाय सोचे और उसका मुकाबला करें। अरे क्या उपाय सोचे टूनी, हम इंसानों को तो रोक नहीं पाते, और ये तो इंसानी भूत है, कोई भी उसके पास जाएगा तो वो उसे मार के खा जाएगा। तभी वहाँ एक बूढ़ी लाल चिड़िया आ जाती है। एक उपाय है हमारे पास। कैसा उपाय है हमें बताइए। इस जंगल से बाहर एक अंधेरी पहाड़ी पर एक तांत्रिक रहता है, अगर कोई उसके पास जाए और उसे यहाँ की समस्या बताए तो वो हमारी मदद कर सकता है। लेकिन वो तांत्रिक हमारी मदद कैसे करेगा? हम तो पक्षी हैं, वो हम पे विश्वास कैसे करेगा? अगर कोई इस पंख को ले जाकर उस तांत्रिक को दिखा दे और इंसानी भूत के बारे में बताए तो उसे विश्वास हो जाएगा। ठीक है, मैं जाऊंगी उस तांत्रिक के पास। फिर टूनी चिड़िया खून से भरे पंख को अपनी चोंच में दबाकर उस तांत्रिक के पास निकल जाती है। कुछ ही देर में टूनी उस तांत्रिक के पास पहुंच जाती है और उसके सामने वह पंख रख देती है और कहती है, सुनिए तांत्रिक जी, जंगल में एक इंसानी भूत आ गया है, वह सभी पक्षियों को मारकर खा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जंगल में सभी पक्षियों का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। आपके सिवाय हमें कोई नहीं बचा सकता, कृपया हमारी मदद कीजिए। एक इंसानी भूत तुम पक्षियों को मारकर क्यों खाएगा? मैं क्यों विश्वास करूं? मैं प्रमाण के लिए इस पंख को लाई हूं, आप इसे देखिए। तांत्रिक उस पंख को अपने हाथों में पकड़ता है और गौर से देखता है। ये एक भूतिया किसान है। क्या भूतिया किसान? एक दिन एक खेत में एक भैंसे को किसी शेर ने मार दिया था। भैंसे को मरा देख वहाँ एक बाज का जोड़ा आकर उसे खाने लगता है। तभी वहाँ उस भैंसे का मालिक किसान आ जाता है। अपने ही खेत में अपने भैंसे को मरा देख उसे बहुत गुस्सा आता है। उसे लगता है कि उसके भैंसे को इन दो बाजों ने मारा है, तो वह उन्हें मारने के लिए अपनी कुल्हाड़ी फेंकता है। जैसे ही किसान उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है तो वह बाज कुल्हाड़ी उठाता है और उस किसान के सर में मार देता है। कुछ ही पल में वह किसान अपना दम तोड़ देता है। उस किसान ने अपने भैंसे की हत्या का अंधा बदला तो ले लिया था, लेकिन अपनी मौत का बदला लेने के लिए वह भूत बन गया।
और अपना बदला लेने के लिए वह जंगल में चला गया। तब से वह सभी पक्षियों की हत्याएं करके उन्हें खा रहा है। उसे लगता है कि सभी पक्षी उसकी मौत के जिम्मेदार हैं। वह तब तक नहीं रुकेगा जब तक जंगल के सारे पक्षी खत्म नहीं हो जाते। उसे ना ही मैं रोक सकता हूँ और ना ही कोई साधारण मनुष्य। मतलब हमारे पास उसे रोकने का कोई उपाय नहीं है? हाँ, एक उपाय है। अगर वही बात जिसने किसान की हत्या की थी वह उस भूत के सर से कुल्हाड़ी निकाल कर चला दे तो वह भूत या किसान भी चलकर नष्ट हो जाएगा। इसके अलावा वह कोई उपाय नहीं है। उस बाज के अलावा और कोई भी पक्षी उसके सर से कुल्हाड़ी नहीं निकाल सकता। अब तुम उस बाज के पास जाओ और उसे भूत या किसान के बारे में बताओ। टूनी चिड़िया वापस आकर सबको भूत या किसान की कहानी और तांत्रिक की बात बताती है। अगर उसको रोकना है तो हमें उसके सर से कुल्हाड़ी निकाल के उसे चलाना होगा, जिससे वह अभी चलकर नष्ट हो जाएगा। क्या, कुल्हाड़ी निकाल के? अगर हम उसके पास भी गए तो वो हमें मार डालेगा। तो हमें कुछ उपाय सोचना चाहिए। सभी पक्षी उपाय सोच ही रहे थे कि तभी टूनी की बेटी चिंकी आती है और अपना उपाय बताती है। हाँ, मेरे पास एक उपाय है। हम एक लकड़ी का पक्षी बनाएंगे और पेड़ पे लटका देंगे। उस भूत को लगेगा कि यह असली पक्षी है तो वह उसे खाने ही वाला होगा। तभी हम उसके सर से वह कुल्हाड़ी निकाल लेंगे। हाँ, यह उपाय अच्छा है टूनी। हम लकड़ी के पक्षी से उसे अपने जाल में फंसाएंगे और उसके सर से कुल्हाड़ी निकाल लेंगे। ठीक है, हम यही करेंगे। सुबह तुम सब जंगल से सारी सूखी लकड़ियाँ एक जगह इकट्ठे करना। सभी बच्चों को पेड़ के सबसे ऊपर वाले घोंसले में रखेंगे और मैं नकली पक्षी बनाऊंगी। और तुम क्या करोगी टूनी? मैं किसी से मदद मांगने जाऊंगी। आप हमारी मदद क्यों नहीं करते? वह किसान भूत बनके जंगल के सभी पक्षियों को मारकर खा रहा है। आप उसे रोक सकते हैं, लेकिन रोक क्यों नहीं रहे? क्यों रोकूं? किसके लिए रोकूं? जब कोई नहीं था तो मेरी पत्नी मेरे साथ थी। अब वो नहीं है तो मेरे लिए कोई भी नहीं है। जब से उस किसान ने मेरी पत्नी की हत्या की है तब से मैं यहाँ से बाहर गया नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपनी पत्नी की यादों के साथ पूरी जिंदगी यहीं रहना चाहता हूँ। तुम यहाँ से जाओ, मैं कोई मदद नहीं करने वाला। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने मतलबी होगे। तुम उस भूत के किसान को रोक सकते हो और जंगल के सभी पक्षियों की जान बचा सकते हो, लेकिन तुम उसकी यादों के लिए उन पक्षियों को मरने दे रहे हो जो जिंदा ही नहीं है। उस किसान ने तुम्हारी पत्नी को मारा था और अब वो भूत बनके सभी पक्षियों को मार रहा है। तुम सोचो, क्या तुम्हारा मतलब पूरा हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि अब भी वो किसान जिंदा है। सभी पक्षी जंगल की सारी सूखी लकड़ियाँ एक जगह इकट्ठा करने लगते हैं। दूसरी तरफ चिंकी लकड़ी की चिड़िया बनाती है। कुछ ही देर में वहाँ लकड़ियों का ढेर हो जाता है। चिंकी और टूनी भी लकड़ी की चिड़िया बना लेते हैं। नकली चिड़िया लटकाने के बाद सभी पक्षी पेड़ के सबसे ऊपर बैठकर उस भूत के आने की प्रतीक्षा करते हैं। कुछ ही देर में वह भूत वहां आ जाता है और लकड़ी की चिड़िया को असली समझ के उसके पास जाता है। जैसे ही वह उसे खाने वाला होता है तभी सारे पक्षी उस पे हमला कर देते हैं। सभी पक्षी उसके सर से कुल्हाड़ी निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी नहीं निकाल पाता। तभी वह भूत टूनी को पकड़ लेता है। हाँ? अरे तू तो टूनी है ना, तू क्यों मरना चाहती है? चल तेरी इच्छा भी पूरी करता हूँ। खाते वक्त किसी को परेशान नहीं करते, ये किसी ने सिखाया नहीं। जैसे ही वह भूत चिंकी को खाने वाला होता है तभी वहाँ वह बाज आके उसे बचा लेता है। क्या हुआ, पहचाना नहीं मुझे? फिर वह बाज उस भूत या किसान की कुल्हाड़ी पकड़ के उसे खींच के आग की तरफ ले जाता है। कौवा और मिट्ठू जल्दी से लकड़ियों के ढेर में आग लगा देते हैं। आग बहुत तेज भड़क जाती है। फिर वह बाज उसका सर उखाड़ देता है। और कुल्हाड़ी के साथ उसके सर को भी आग में फेंक देता है।
और इस तरह उस भूतिया किसान का अंत हो जाता है। सुबह होते ही सभी पक्षी टूनी चिड़िया का अंतिम संस्कार कर देते हैं। सभी को इस बात की खुशी तो थी कि उस भूतिया किसान का अंत हो गया है, लेकिन उससे हजार गुना दुख टूनी के मरने का था। इनके अलावा एक और शख्स था जो टूनी के अंतिम संस्कार में शामिल था, लेकिन इससे सब अनजान थे।